Hello, welcome students, welcome once again. पिछले वीडियो में आपसे मैंने बात की थी कि हम लोग सेल साइकिल है कितने प्रकार के होते हैं और इंटरफेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें जीवन फेज के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम इंटरफेस की दूसरी प्रावस्थाएँ जो होती हैं एस फेज, या जिसे हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और G2 फेज जिसे हम गैप सेकेंड फेज भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर माइटोटिक जो डिवीज़न है उसके बारे में वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एस फेज जो होती है, एस फेज के अंदर आपके इसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। सिंथेटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज के अंदर जो DNA है उसका रेप्लिकेशन होता है, और इस रेप्लिकेशन के साथ साथ इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स का काफ़ी मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। अब ये जो नए हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनको फॉर्मेशन में मदद करते हैं, क्योंकि DNA जो है आपके वो उनके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर एक ऑक्टामर 8 जो हैं आपके, और एक 9 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर DNA के लगभग 200 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस जो है उस पर वाइंड होकर उसको जो है एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो एस फेज है उसके अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है, और DNA रेप्लिकेशन के साथ साथ जो न्यूक्लियोसोम्स है उनका निर्माण भी शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो एस फेज के एंड पर क्या होता है, DNA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसका मतलब ये है कि एक डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स, मतलब जितने जीन्स होते हैं उनका एक सेट और होता है। एस फेज की एक और विशेषता ये होती है कि ये सबसे लंबी प्रावस्था है पूरे माइटोटिक साइकिल की, और ये रफली ऑक्यूपाइज 35-45% ऑफ टोटल सेल साइकिल टाइम। जैसे हमने पहले भी बात की थी शुरू में कि जो सेल साइकिल है मेमेलियन सेल के अंदर, जैसे 5 घंटे का जीवन फेज होता है, 7 घंटे का एस फेज होता है, 3 घंटे का G2 फेज, और 1 घंटे का फिर जो है आपके माइटोटिक फेज होता है। तो ये सबसे लंबी प्रावस्था है एस फेज पूरे सेल साइकिल की। नेक्स्ट जो फेज है वो कहलाती है G2 फेज, जिसे पहले गैप सेकेंड फेज कहते थे, परंतु अभी इसे ग्रोथ सेकेंड फेज कहते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे RNA और प्रोटीन्स जो होता है उनका सिंथेसिस होता रहता है इस फेज के अंदर, इसलिए इसको अब ग्रोथ सेकेंड फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। और ये जो है टोटल सेल साइकिल का 10-20% जो समय होती है वो सेल साइकिल का ये लेती है। अब G2 फेज जो होती है, जैसे जैसे ये ख़त्म होने के उस पर आती है, जैसे ही G2 फेज ख़त्म होगी M फेज जो है वो शुरू हो जाएगी। अब इसमें एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सेल साइकिल है, इसको G1 फेज जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2N या 2C है, यहाँ तक G1 फेज चलता है। फिर जो है ये S फेज जिसके अंदर DNA रेप्लिकेशन होकर 2N से 4N नंबर जो है, या 4C जो है वो हो जाता है। G2 फेज के अंदर ये 2N ही रहता है, माइटोसिस के अंदर वापस ये जो DNA 2N के अंदर सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज है ये फेज कहलाता है आपका 1 सेल साइकिल, और इसके अंदर ये G1, S और G2 फेजेस जो हैं ये इंटरफेज कहलाते हैं, और M फेज जो है माइटोटिक फेज कहलाता है। तो इंटरफेज और माइटोटिक फेज मिलकर आपके एक सेल साइकिल का निर्माण करते हैं। जैसे ही यहाँ पे माइटोसिस समाप्त होती है, M फेज समाप्त होता है एक सेल साइकिल का, नवीन जो सेल साइकिल है उसका जीवन फेज शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इंटरफेस कोशिका के अंदर जो है सेल डिवीजन के टाइम में होता है। परंतु इसके अंदर जनरल इवेंट्स कौन कौन से हैं जो इंटरफेस के अंदर होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप एकदम इंटैक्ट रहता है। अभी तक इसमें न्यूक्लियर एनवेलप डिसोसिएट नहीं हुआ है, इंटैक्ट अवस्था में रहता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड अवस्था में, यानी क्रोमेटिन की फॉर्म में ही इस अवस्था तक रहते हैं इंटरफेस के अंदर। तीसरा इसका एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, जो DNA है वो इट बिकम्स डबल इन अमाउंट,
टू एन से जैसे अभी हमने देखा कि 4N जो है डीएनए की मात्रा हो जाती है। चौथी जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रावस्था की विशेषता है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं न्यूक्लियोलस के अंदर जो है इन आरआरएनए और राइबोसोम्स का जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये साइज में बहुत बड़ा प्रतीत होता है। पांचवी विशेषता इस प्रावस्था की ये है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है सेंट्रियोल जो है वो रेप्लिकेट कर 4 नंबर में हो जाते हैं, यानी 2 पेयर बन जाते हैं, एक पेयर से 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जो है उनका निर्माण हो जाता है और सेंट्रियोल जो है आने वाली प्रावस्थाओं में वो पोल्स की तरफ अपोजिट पोल्स की तरफ जो एक तो जो जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं रह जाता है और दूसरा जो नया सेंट्रियोल है वो दूसरे अपोजिट पोल की तरफ उसका जो है मूवमेंट वो शुरू हो जाता है। ये इस के साथ जो है आपकी इंटरफेज प्रावस्था समाप्त हो जाती है और सेल साइकिल की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रावस्था जो है वो एम फेज या माइटोटिक फेज जिसे हम कहते हैं वो शुरू हो जाती है। ये जी टू फेज के समाप्त होने के बाद शुरू होती है और नेक्स्ट सेल साइकिल की जीवन फेज के शुरू होने से पहले तक चलती रहती है। ये जो माइटोटिक फेज है इसको हम आगे कई प्रावस्थाओं में डिवाइड करते हैं जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये इसकी इम्पोर्टेंट जो हैं 4 आगे स्टेजेस हैं एम फेज की। तो पहली जो है वो कहलाती है प्रोफेज, प्रो मीन्स बिफोर एंड फेजेस मीन्स अपीयरेंस। तो क्रोमोसोम के अपीयर होने से पहले वाली जो प्रावस्था है वो प्रोफेज कहलाती है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है अभी भी क्रोमेटिन की फॉर्म में ही क्रोमेटिन जैसे ही दिखाई देते हैं। इसके अंदर अब क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ होता है क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है एस फेज के अंदर, इंटरफेज की एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है तो इसलिए इसके अंदर जो है 2 क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से एग्जैक्ट उसकी रेप्लिका एक जो होती है एक सिस्टर क्रोमेटिड उसका बना हुआ होता है। जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ती है क्रोमेटिन नेटवर्क जो है क्रोमेटिन जो थ्रेड है वो शॉर्टर और थिकर होना शुरू हो जाता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमेरिक रीजन के द्वारा सेंट्रोमियर या जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं जहाँ पर मैं कसम मूव कर रहा हूँ वहाँ पे देखिए सेंट्रोमेरिक या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है काइनेटोकोर प्रोटीन्स का, ये दीज आर ट्राइलेमिनर प्रोटीन्स जो उनका निर्माण होता है और ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं ये जो सेंट्रोमेरिक रीजन या जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है हर क्रोमोसोम के उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इनका उपयोगिता जो है इनकी उपयोगिता कोशिका विभाजन में ये है क्योंकि इसके बिना जो कोशिकाएं हैं जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है वो सीधा क्रोमोसोम पे अटैच नहीं हो सकता तो जो काइनेटोकोर है वो उनको एक सरफेस प्रदान करता है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आके अटैच होती हैं, आगे सेल जो है आपके मेटाफेज एनाफेज उसके अंदर प्रोग्रेस करती है। एक और कॉन्स्पिक्यूअस चेंज जो होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल या माइटोटिक अपरेटस जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण अगली प्रोफेज में ही शुरू हो जाता है। जैसे हमने कहा कि इंटरफेज के एक इवेंट उसके अंदर जो है सेंट्रियोल्स का डिवीजन होकर दोनों पोल्स पे माइग्रेट करना शुरू हो जाता है तो प्रोफेज के अंदर जो है ये आपके इनसे 3 प्रकार की जो हैं आपके स्पिंडल्स जो हैं वो निकलती हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रकार की स्पिंडल्स होती हैं, ये होती हैं पोलर फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स और एस्ट्रल फाइबर्स। इस चित्र में आप देखिए, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है 1 पेयर एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ सेंट्रोमियर तो इससे एस्ट्रल रेज जो हैं ये आपके, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स ये इससे निकल रहे हैं। तो जो फिलामेंट ये क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के ये जैसे ये क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम पे ये काइनेटोकोर आके अटैच है और इस की जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसके सेंट्रोमेरिक रीजन पे इधर भी काइनेटोकोर है। इन काइनेटोकोर से आके जो स्पिंडल अटैच होते हैं
ये स्पिंडल कहलाते हैं आपके काइनेटोकोर्स ट्यूब्यूल्स या काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटोकोर पे आके अटैच है। तो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की दोनों तरफ जो है आपके काइनेटोकोर रीजन के अंदर जो स्पिंडल जो फाइबर्स अटैच हैं वो काइनेटोकोर फाइबर कहलाते हैं। और जो काइनेटो दूसरे जो टाइप ऑफ फाइबर्स हैं वो आपस में अटैच होकर कॉन्टिन्यूस एक पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूस एक फाइबर का निर्माण करते हैं। और ये जो फाइबर हैं ये फाइबर आपके कहलाते हैं पोलर फाइबर। और तीसरे जो फाइबर हैं वो कहलाते हैं एस्ट्रल फाइबर। ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये पोल है, तो जो सेंटर से अपोजिट निकलते हैं फाइबर्स उन फाइबर्स को एस्ट्रल फाइबर्स जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अभी विस्तार से इनके बारे में जब हम फिजियोलॉजी ऑफ सेल फिजियोलॉजी ऑफ माइक्रोफिलामेंट पढ़ेंगे, क्रोमोसोम मूवमेंट पढ़ेंगे, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो मूव करते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से हम आगे तक पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपसे फिर रूबरू होंगे और